नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। नशा एक ऐसी चीज जिसने देश भर के युवाओं के भविष्य को दांव पर लगा दिया है। नशा चाहे शराब का हो, चाहे सिगरेट का हो, या फिर कोई मेडिकल नशा हो, हर प्रकार का नशा युवाओं के भविष्य को गर्त में मिलाता हुआ नजर आता है। कई बार ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि पुलिस और शासन प्रशासन के सहयोग से नशे का व्यापार काफी फल फूल रहा है। ताजा मामले में हम पिछले कुछ दिनों पूर्व का एक वीडियो और ऑडियो आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो और ऑडियो के आधार पर मामले की गंभीरता और असलियत दोनों आपके सामने आ जाएंगी। फिर आप ही तय करें कि हमारी सुरक्षा किन जिम्मेदार हाथों में सरकारों के द्वारा सौंपी जाती है। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले ये ऑडियो। हेलो हेलो, हाँ कहाँ हैं आप? बोलो। हम कहें आप दारू पकड़े हैं, यहाँ पर आएंगे मुकदमा? तुमको जेल जाना है क्या, ये बताओ? हैं जेल जाना है? कहे जाना है कि नहीं ये बताओ। नहीं छोड़ दे। हाँ छोड़ो उसको। हैं छोड़ो उसको तत्काल। अच्छा छोड़ दे। नहीं चले जाओगे लंबे में ना तो प्रिजन में आ जाएगा। इधर अलखवा देना है, समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारे। ठीक हो। आप स्पष्ट तौर पर सुन पा रहे होंगे कि एक आदमी के द्वारा पुलिस को फोन किया जाता है और बताया जाता है कि उसने शराब पकड़ी हुई है। तो दूसरी तरफ से बार बार कहा जाता है कि तुम्हें जेल जाना है। तो आदमी के द्वारा पूछे जाने पर कि क्या इसे छोड़ दो, दूसरी तरफ से आवाज आती है कि हाँ छोड़ दीजिए। तो इस तरह से स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह से सय और मात का खेल चल रहा है, किस तरह से आम आदमी के सामने आंखों में धूल झोंकी जा रही है और किस तरह से नशे का ये बढ़ता हुआ कारोबार शासन प्रशासन के मर्जी से, शासन प्रशासन के साथ मिलजुल करके फलीभूत हो रहा है। आपको बता दें कि यह वीडियो त्योथर विधानसभा क्षेत्र के चाक घाट के थाना के पास अस्पताल रोड का है। थाने से चंद मीटर की दूरी पर इस तरह का घटनाक्रम हो रहा है और पुलिस और शासन प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। यहाँ तक कि यदि किसी जिम्मेदार नागरिक के द्वारा ऐसे तस्करों को पकड़कर पुलिस के हवाले करने की कोशिश भी की जाती है तो उन्हें धमकाया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि तुम्हें जेल तो नहीं जाना है और बदले में जिम्मेदार नागरिक करे भी तो क्या करे, को उन चीजों को छोड़ देता है। और गजब की बात तो इस वीडियो में ये है कि जिस बाइक में शराब ले जाई जा रही है उस बाइक के आगे नंबर प्लेट पर पुलिस लिखा हुआ है और उस बाइक पर नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है। और कहीं ना कहीं इन घटनाओं के पीछे हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों की मनसाएं भी हैं, जो चुनाव जीतने के बाद अपने घर अपने जेबें भरने में लग जाते हैं और शासन प्रशासन को वो करने देते हैं जो करना चाहते हैं। अब आखिर ऐसे में आम आदमी करे तो करे क्या? क्या वो अपने बच्चों के भविष्य को यूं ही नशे के रूप में गर्त में डालता रहे? ये एक बड़ा सवाल है। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार। नमस्कार, धन्यवाद। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।